आज मैं अगर कहूं तो मैं आज इस टाइप का अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो कम से कम नहीं तो माइंड सेट करें कि मुझे स्पेसिफिकली यही चीज चाहिए अगर आप चाहें तो आप गाड़ी कोई सस्ती बजट की भी बनवा सकते हैं स्टार्टिंग एट एन प्राइस ऑफ इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग वुडन फ्लोरिंग देना इज नॉट तो अब हम बुलाने वाले हैं मिसेस बिहाइंड मेकिंग एक गाड़ी में 10 गाड़ियों की सारा इसमें डाला हुआ है आर्मी वालों ने रोका बैरीकेट करके कि भाई आपको एक स्पीड लिमिट में जाना है वी लॉस्ट नियरली 20 टू 22 लाख रुपीस आठ लाख का था जो आज तीन करोड़ का है पिछले पंद्रह दिन से हेड क्वार्टर्स में रह रहे हैं जस्ट इमेजिन दैट अमूल का दो केजी का डब्बा आता था उसके अंदर हमने डीजल टैंक का वो बनाया हुआ था पंजिम से वागडोर बीच पहुंचने में हमें पूरे 12 घंटे लगे थे तब के रोड कंडीशंस और आज के हम लोगों ने तब पूरा है। target, वो पुता दिया उसने। और तुम लोग गाइड करते थे अब ये आएगा अब वो आएगा अब... वो ड्रीम जो मेरा रह गया उस ड्रीम को मैं जल्दी ही पूरा करूँगा बनने कुछ और आया था और बन कुछ और गए जहाँ पे हम लोग लड़ झगड़ रहे होंगे याद कर रहे होंगे अपनी मेमोरीज को नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन रिगार्ड्स विद डिज़ाइनिंग जिसके लिए फर्स्ट टाइम एवर इन द एपिसोड ऑफ मैन बिहाइंड द मेकिंग हम हमारी डिज़ाइन एग्जीक्यूटिव जो यूजुअली बिहाइंड द कैमरा रहती है और बहुत शाई है उनको बुलाने वाले हैं जो प्लीज कम नींद से उठाया गया है जिनको इफ़ ओ ओ वी नीड टू इट आते डिज़ाइन एग्जीक्यूटिव जो है कर चुकी है सर काम That's it. We did. What's that? None. So we are going to use this mic. So again, um, usually ये रहती है back end पे और अगर लग रहा है कि क्यों सो के उठ के आई है तो अभी it's 3:42 a.m. in the morning. A.M. in the morning. I'm sorry. I'm also not having enough supply of caffeine. तो इसीलिए थोड़ी नींद में है उठ जाइएगा सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिज़ाइन ऑफ दिस कन्वर्जन जो फैमिली है मिस एंड फैमिली देवर बोस्ट इन कॉन्टेक्ट विद यू तो कैसा डिजाइनिंग का लाइक कैसे क्रिएट हुआ था वो सबसे पहले वो इंक्लूडेड नहीं थे इनफैक्ट जो ये फाइबर ऑप्टिक केबल है वो भी हमने उस टाइम पे मना करा था की पॉसिबल नहीं हो रूफ जो है वो प्लेन चाहिए होता है उसके लिए ऐसे सीलिंग पे नहीं हो सकता है इंक्लूडिंग ए सी डक जिसमे ए का हो तो पॉसिबिलिटी नहीं है नहीं होती बट फिर वो हमने उसी टाइम मना कर दिया था कि इफ पॉसिबल हम देंगे नहीं तो मोस्ट uh, most probably नहीं हो पाएगा वो लेकिन फिर भी बाद में चेंजेस इतने हुए उसमें और जो ये रिक्लाइनर्स हैं सोफाज हैं इनमें भी चेंजेस हुए पहले ये जो दो रिक्लाइनर्स है पहले हमने बनाए जो उन्हें पसंद, पसंद नहीं फिर उन्होंने अपने एंड पे सप्लाई से बनवाए थे जो बिल्कुल ही फेल हो गए फेल हो गए थे फिर फिर हमने फिर से बनाए तो चेंजेस काफ़ी थे और किचन भी रीडू हुआ था पूरा बन टोटली किचन बना हुआ किचन फिर उधर हुआ तो वो एक्चुअली वो मैंने जो बेस था वो ये तो बाद में हुआ था माइका लग गया था वो तो बाद में अपर माइका अपर कैबिनेट्स जो थे उनका कलर ही टोटली डिफरेंट था जो पहले फाइनलाइज हुआ था देन उनके आई थिंक ये वॉल का भी ये था ये इसमें नहीं थे ये बाद में चेंज हां ये नहीं थे पहले ये प्रोफाइल ये वाला, वाला ये वाला भी बाद में ऐड हुआ था सो इज इट की सॉरी मोस्ट ऑफ द डिजाइनिंग पार्ट जो है वो क्या लास्ट में लाइक आफ्टर कन्वर्जन हुआ है या ये इनिशियली प्लान था क्योंकि यू हैव बीन इन कांटेक्ट विद देम द मोस्ट तो डिजाइनिंग का इनिशियल व्यू ही ऐसा था था या, या ये 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 विद विद टाइम टाइम धीरे-धीरे डिस्कस हुआ हुआ है 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 जैसे-जैसे हर हर बार बार जो जो विजिट करते थे थे और कुछ कुछ ना चेंजेस आते रहते थे उसमें कभी कलर fact, ये कलर हाँ, ये कलर इनफैक्ट भी चेंज ऊपर लगाया ये पहले नहीं होगा बट अनुज है उनके लड़के को और उनकी बेटी को भी नॉलेज है उसको इनपुट को हमने पॉजिटिव लेते हुए इसको इम्प्लीमेंट करा तो दैट वाज अ गुड थिंग एक ब्लेंड दो टीम का जो है आया और उसमें हमने चेंजेस करके दिए बिकॉज़ कुछ चीज़ें होती हैं कॉम्प्लेक्स होती हैं आपको एक चीज़ को मर्ज करना है तो द बिग चैलेंजिंग पार्ट जो था तो वो तो रिचा ने हंड किया था

Park, कि उन्हें इस चीज की रिक्वायरमेंट या पार्थ का डिजाइन था ना कि क्विल्टिंग जो उसको पार्थ को वांटेड दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द डिजाइनिंग ये बाद में आया था कि भाई हमारे को यहां रैक सीन चाहिए सो दीस आर ऑल एडिशनल्स एडिशनल्स एडिशनल बट इन वी हैव वी हैव नॉट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑन दैट बट ये टाइम के हिसाब से उन्होंने चीजों को चेंजेस बहुत मेजर चेंजेस

इट्स वेरी चैलेंज सो हाउ वुड यू सी जैसे हमने और भी व्हीकल्स पे काम किया एंड यूज एसेटिक वाइज ऐसा दिखेगा ये होगा वो होगा तो हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल की इस कन्वर्जन में मतलब यूनिक लुक तो डेफिनेटली यूनिक है फाइबर ऑप्टिक द डटिंग द ओवरऑल पैटर्न चारकोल पैनलिंग काफ़ी यूनिक परस्पेक्टिव है इसका व्हीकल का बट हाउ वॉज लाइक यू और अप्रोच टू इट गोइंग इन टू द क्लाइंट्स विजन और उसके बाद लाइक like, कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल आई थिंक एक्सपीरियंस वाइज आई वुड से कि काफ़ी डिफरेंट था एंड अच्छा भी था कि कुछ डिफरेंट करने को मिला बिकॉज मोस्टली जो है वो हम बेसिक पैटर्न रखते हैं ज़्यादा हाई फाई या लग्जरियस में नहीं रखते जो क्लाइंट्स की स्पेसिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग बट ये वाला जो है प्रोजेक्ट uh, इसमें काफ़ी लग्जरियस हमने दिया है फिनिश वाइज भी एंड

अच्छा नाउ कमिंग बैक टू द डिजाइनिंग जिस तरीके से टैकल किया गया है डिजाइन को व्हाट वुड यू चेंज अगली बारी किसी से भी इन टर्म्स ऑफ डिजाइनिंग डील करने में फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइबर ऑप्टिक केबल आई वुडंट रेकमेंड देम बिकॉज हल्का सा पूरे की पूरी वायर जो है वो वेस्ट होती है पूरा कोशिश करा उसमें दो हमने सेटअप करके लगाया भी बट हुई कि दो पार्ट में नहीं हो सकता आप सिंगल में दे सकते हो लेकिन फिर हमारा जो सीलिंग है उसपे हमेशा एसी रहता है तो कैसे टेजी रहता है तो मोस्ट फेस तो वही लेता है देखे. तो फाइबर ऑप्टिक इसमें ना दे तो वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द डिजाइनिंग पार्ट जैसे वी कीप ऑन सेइंग कि इसमें बहुत चेंजेस रहे तो आप क्या बदलोगे इसमें कि इस तरीके से डील किया जाएगा नेक्स्ट टाइम से या दिस इज वॉट आई गोइंग टू डू डिफरेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल तो सारे जो चेंजेस है वो फाइनलाइज रेंडर्स पे होने चाहिए या फिर क्लाइंट के पास मतलब इतना उन्होंने सोच के रखा होना चाहिए कि उन्हें डिज़ाइन वाइज क्या चाहिए जब तक वो फाइनल नहीं होता एक्चुअल स्टेज में आना नहीं चाहिए इन सारे मेजर चेंजेस के डों बिलीव जो कॉस्ट है वो हमने ऑब्जर्व करी क्लाइंट से नहीं मांगी है करें सो ओवर दफ ऑल अपना माइंडसेट करें कि मुझे स्पेसिफिकली यही चीज चाहिए इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए और उसके बाद आगे जाके रेंडर्स uh, पे उसे फाइनलाइज करें इन केस अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो वो रेंडर स्टेज पे ही होना चाहिए जब प्लान uh, एग्जीक्यूट uh, हो रहा हो उस टाइम पे कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए बिकॉज़ टाइम मनी मेन ये दो चीज़ें हैं जो ज़्यादा लगती है किसी भी चीज़ को बनाने में देखो टाइम तो लगता ही है और कोई भी एक नया प्रोडक्ट ये देखो प्रोटोटाइप है बेसिकली हमारे लिए तो कहें नहीं तो प्रोटोटाइप ही है पहले नहीं बनाया है पहली बार बना रहे हैं तो जब लगता है उसमें एक टाइम फ्रेम को लेकर चलते हैं हाँ भाई कितने दिन पंद्रह दिन हो जाना चाहिए पंद्रह का कभी कभी जो उसके दो महीने भी लग जाते हैं अगर आप ये कहोगे कैलकुलेशन पहले क्यों नहीं करा तो वो होता इसलिए है कि आपने जो चीज़ बनाई है इसी केस में बता रहा हूँ जो स्लाइड आउट हमने बनाया पीछे वाला स्लाइड आउट हमने बॉक्स के अंदर में से बॉक्स निकालना बट वो क्योंकि डिज़ाइन प्रैक्टिकल नहीं लग रहा था और उसमें हमारी जो विथ थी गाड़ी की वो और छोटे में छोटी होती जा रही थी बिकॉज एक स्लाइड आउट को बनाने के लिए हमारे को तीनों तीन छः इंची की जगह और छः छः बारह बारह इंची और कम हो गया तो आपके पास जो अभी बेड आपको छः फुट का मिल रहा है वो साढ़े पाँच फुट का मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं था तो दैट वाज द रीज़न हमने उसको ड्रॉप किया बनाया सामान बट वो हमारा मटेरियल किसी जगह तो काम आना नहीं वो दैट मनी प्लस उसकी लेबर और जो मटेरियल लगा वो सब बिन बेकार में सर तो ऐसी कई चीजें हैं एक ही इसके अंदर नहीं कई एग्जांपल इसी की गाड़ी के अंदर में है कि हमारे को लॉसेस उठाने पड़ेंगे सो डिजाइनिंग वाइज गाइस अगेन जैसा हम आपको बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग जब आप आते हैं यही रीज़न है कि जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं आप इंक्वायर करते हैं कि मुझे एक्स कैटेगरी ऑफ व्हीकल बनवाना है कैरबान बनवाना है या कुछ भी बनवाना है आपको एक फॉर्म शेयर किया जाता है जहाँ पे यू बीइंग द लेमैन जिनको कुछ भी नहीं पता है उस कन्वर्जन के बारे में अगर वो भी हमें अप्रोच करते हैं तो उनके लिए एक सेट पैटर्न है कि आप इन चीज़ों को सिलेक्ट और डी करिए और उसके बाद हम आपको फर्दर एक कॉन्सल्टेसन देंगे कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सूटेबल है ये सूटेबल नहीं है सो सेम गोज फॉर डिजाइनिंग

उसके अकॉर्डिंग उन्हें किचन अंदर चाहिए बाहर चाहिए बाथरूम स्पेस और बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए जिसमें वो कम्फर्टेबल है वो उन्हें आइडिया मिल सकता है वैसे ही हमारी बड़ी वाली गाड़ी है उसका रॉयल कैरेट हो गया शाइलो हो गया इन सब के अकॉर्डिंग अगर रेंट करते हैं तो एक आइडिया हो जाएगा कि हमें डिज़ाइन वाइज क्या चेंजेस करने हैं इनकेस सेम चाहिए या इससे कुछ बेटर चाहिए एड ऑन तो हर चीज़ हो सकती है हर गाड़ी में लेकिन अगर आप रेंटल रेंट uh, करेंगे तो उसमें आपको आइडिया और अच्छे से मिल पाएगा So that's, that's a sweet pitch to introduce the rentals. अगर आप interested है curated, customized itineraries में तो आप rent कर सकते हैं जहाँ पे आप खुद confirm नहीं है कि यार मैं caravan तो लूँगा but where am I going to go? कैसे मैं drive करूँगा, tackle करूँगा? We have chauffeur driven rentals, self driven rentals. We have curated itineraries, we have customized itineraries. सब हैं. Website पे जाइए, देखिए. एंड नाउ मूविंग टू दी फाइनल फोबिया कुछ लोगों को इस बात का है कि हमारे जो रेट्स हैं बनाने के या कन्वर्जन के वो बहुत ज़्यादा हाई हैं तो एक चीज़ बताऊँ ऐसा नहीं है अगर आप चाहें तो आप गाड़ी कोई सस्ती बजट की भी बनवा सकते हैं स्टार्टिंग एट प्राइज ऑफ वन पॉइंट फाइव लैक टू थ्री पॉइंट फाइव लैख ऑल्सो हैचबैक के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है उसमें स्लाइड आउट किचन बन जाएगा आपका पॉप अप टेंट सॉरी लोग बाहर से टेंट लेते हैं इम्पोर्ट करते हैं हमारा ही उस टेंट है अभी तक नहीं हुआ है बट आने वाले टाइम में आप हमारे टेंट्स भी देखेंगे विल बी प्योरली मेड इन इंडिया और प्रैक्टिकल जो कि हम सिमिलर कॉन्सेप्ट जर्मनी में यूज़ करते हैं टेंट्स सेम कार्ड ऑफ आ टेंट्स यूल बी गेटिंग इट आउट है तो उसके लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं और बजट के अंदर टेंट्स वगैरह जो है बिकॉज हम उनके लिए करें जो स्टार्टअप करना चाहते हैं एंड दे वोट अ गुड क्वालिटी टेंट विच आर गुड एट माइनस फिफ्टीन और ट्वेंटी डिग्रीज एज वेन जो दूसरे टेंट्स मार्केट में आ रहे हैं दोज आर नॉट गुड फॉर दिस थिंग माइनस टेम्परेचर और एक्सट्रीम हीट के लिए इवन अगर वो गशी विंड्स वगैरह अगर चालू हो जाए तो टेंट उड़ जाते हैं मैंने कई लोगों के ब्लॉग्स देखे उनको टेंट फोर्सफुली बंद करना पड़ता है रीजन टेंट्स आर नॉट गुड एट दैट क्वालिटी एनी वे दैट पार्ट इज अ पार्ट तो चीजों के लिए अगर आप बनाना चाहें मैं अगर कभी अगर रिकमेंड करूँगा आई विल रदर सजेस्ट गो विद एच एज सी बेस्ड होगा अगर इस टेप का एक्सट्रीम कन्वर्जन करना है दो वी आर ओपन अगर कोई आना चाहता है बनवाना चाहता है मैं प्राइस तो बोल ही चुका हूँ तो टेम्पू भी, भी बना सकते हैं हमको दिक्कत नहीं है बट बेटर ये रहेगा कि अगर आपको एक्सपेंशन करना है इस टाइप का स्लाइड आउट बनाना है कम विदी बेस्ड व्हीकल उसमें आपको भी स्पेस अच्छा मिल जाएगा और विल गेट ऑल व्हीकल नहीं होनी चाहिए ये हमने एक्चुअली ट्रिकी पार्ट करा कराया हमने हमने पॉप्सी यूज़ किया है

रहेगा बट दिसम क्योंकि हमारी जो कन्वर्जन है वो काफ़ी यूनिक रही है मैसेडोनी कन्वर्जन हमारी रही है और हमारे पास नॉट जस्ट मैन बिहाइंड द मेकिंग बट द डिजाइनर एग्जीक्यूटिव डिजाइनर बिहाइंड मेकिंग भी है तो अब हम बुलाने वाले हैं मिसेज बिहाइंड द मेकिंग ओ प्लीज इन मामा सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर कि एक फुल सर्कल पूरी फैमिली मोटर एडवेंचर्स फैमिली इज हियर और हम लोग जो है आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि पापा ने बताया चैलेंजेस टेक्निकली क्या थे दी ने बताया कि चैलेंजेस के अलावा डिजाइनिंग में कैसे क्या रहा आपने प्रोजेक्ट को दूर से देखा है थ्रू एवरी स्टेज हर दिन तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस गाड़ी को बनाने में फर्स्टली और सेकेंडली क्या ऐसा था जो आप कहोगे इसमें कुछ हटके था और क्या ऐसा था जो आपके लिए थोड़ा डिफरेंट था एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है जितने ये गाड़ी को बनाने में टाइम लगी है क्यों लगी है क्योंकि एक साल पहले बन चुकी थी ये गाड़ी पूरा डिलीवरी करने के टाइम पे उन्होंने आके कुछ चेंजेस करवाया उन्होंने एक डेढ़ फिट चेंज करवाने के चक्कर में ये इतने टाइम बीत गया और इस गाड़ी में ऐसा बहुत कुछ है जो चेंज करवाया था क्योंकि एक गाड़ी में दस गाड़ियों की सारा इसमें डाला हुआ है इसीलिए लेट हुआ कि ये गाड़ी दस गाड़ियों का मिश्रण जो है ना वो है इस एक गाड़ी में एक्चुअली जब मेरी इनिशियली जब उनसे बात हो रही थी ना क्लाइंट से तो ही टू हैव एवरी थिंग इन एट क्यों 2020 में जो लॉन्च हुई थी अब्रॉड जो गाड़ियाँ हुई थी उसका एक्चुअली हमने लुक दिया है मैं उसका थोड़ा मैं आपको उसका ब्रीफ कर दूँ कि उस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं दउ कम्स अंडर थ्री थ्री पॉइंट फाइव लीटर्स लो प्लेटफॉर्म इस गाड़ी को उनका लो प्लेटफॉर्म लेने का मतलब ही यही था कि चेसी जो बेस्ड गाड़ी थी उसका प्लेटफॉर्म जो था वो हायर था तो यू वॉन्ट टू अवॉइड दैट But that's the reason he went by this, uh, went with this uh, tempo traveler because low no platform gadi hai. initially us cheez ko leke chale the, but wo wahan pe abroad mein aapko wo chassis based mein bhi milti hai, but India mein available nahi hai. That's the reason he went, you know, he chose this. India ki road conditions ke according bhi low profile for a caravan. इतना work नहीं करता because दिए। road conditions are not. नॉट एज यू बे टू फॉरेन सो ये तो आप लोगों का टेक्निकल पर्सपेक्टिव हो गया लेकिन मम्मा आपने देखा है कि क्या क्या चेंजेस हुए कैसे हुए तो आपको कैसा फ़ील हुआ एक तो इस गाड़ी के बनते हुए दौरान उस दौरान में और अभी गाड़ी बन चुकी है तो आपका क्या इनपुट है उस पर गाड़ी बनने के टाइम में तो सोचा था कि हाँ बन जाएगा कुछ ऐसे बन जाएगा लेकिन बनते बनते बिल्कुल बहुत परेशान भी हो गया क्योंकि हर बारी चेंज करी चेंज करी लास्ट मोमेंट में आके गाड़ी बहुत अच्छी बनी है ये गाड़ी में इतनी ज्यादा फंक्शन है इतनी ज्यादा चीज़ें जुड़ी हुई है शायद दस बार ही तोड़ के फिर बनाया लेकिन बहुत अच्छी गाड़ी बनी है आपका तो, फेवरेट फीचर क्या है इस गाड़ी का इसमें फेवरेट सबसे फेवरेट तो ये है कि जो ऊपर बेड है किचन है अंदर भी है बाहर भी है और ये स्लाइड आउट है दो साइड में स्लाइड आउट है और ये लाइटिंग वाइटिंग ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी सो so, मम्मा का हिस्ट्री है कि मम्मा को बड़ी जाइेंटिक गाड़ियाँ जिसमें क्लोस्टोफोबिक स्पेस ना हो वैसा पसंद है तो उनके कहने का तात्पर्य यही है कि क्योंकि जगह हर जगह मिल रही है तो मुझे अच्छा लग Unless रहा है बेड एक्चुअली जब तुम दोनों छोटे थे तो आई एम टॉकिंग वे बैक 2004 के आसपास में जब हम माजा लेके करबन लेके चल रहे थे और नेपाल से बर्दिया वाले जंगल से जब हम आ रहे थे तो रिचा को बोला तू जा बेटा सो जा तो नॉट रेडी कि वो कहती मैं नहीं जाऊँगी सोने तभी हुआ अभी ओवरहर्ड वहाँ पर ट्रैफिक वो आर्मी वालों ने रोका बैरिकेड करके कि भाई आपको एक स्पीड लिमिट में जाना है तो दे साइड कि इस टाइम में हाथियों का जो वो आया हुआ है कहा तो मामा मुझे नींद आ रही है मैं ऊपर जाके रहा हूँ वही तो उस गाड़ी में एक्चुअली क्या हमारे पास अभी भी है वो गाड़ी और उसका जो कैब ओवर बेल्ट है दैट्स द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दैट व्हीकल और आने वाले टाइम के अंदर में आई गिव यू माय वर्ड्स मैं अपनी पुरानी गाड़ी को वापस लेके आ रहा हूँ जो 1992 में मैंने फर्स्ट कैराबन बनाई थी दैट ऑन माजदा उसके बाद में मैंने फोर बाय फोर व्हील ड्राइव में कन्वर्ट किया था तो उस गाड़ी पर भी हमारा काम चल रहा है एंड नियर फ्यूचर में आप हमारे फ्लीट में हमारी पर्सनल रहेगी वो गाड़ी मेरे पास बहुत ऑफर्स आई उसको गाड़ी को बेचने के लिए ऐसा भी टाइम आया है कि एक टाइम में मेरे को वो गाड़ी को बेचने की मजबूरी हो गई कि हमारे पास पैसे नहीं थे वेंट विद डैट काइंड ऑफ यू नो प्रॉब्लम काफ़ी कुछ हम लोगों के साथ हुआ बट फैमिली उस टाइम तो खैर वाइफ थी बच्चे तो छोटे थे uh, तुम्हारी दादी और uh, मम्मा ने uh, साथ दिया मेरा और उस टाइम में उस पोजीशन से मैं ओवरकम करा तो वो वी वर इन डेप्थ ऑफ नियर अबाउट 25 फाइव लैख रुपीज़ आई एम टॉकिंग वे बैक इन 2000 2001 2000 के आसपास में पीट लॉस्ट नियरली 20 टू 22 लाख रुपीस तो आज के टाइम में अगर बात करें तो उस टाइम में शायद हमने जो फ्लैट लिया था वो आठ लाख का था जो आज तीन करोड़ का है तो जस्ट इमेजिन कि वो हार्ड एंड मनी 24 लाख रुपए में तीन होते तो मेरे को कुछ नहीं करना होता था करीबन करीबन 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तुम तो लोगों के लिए और अलग से होती तो टाइम है और अभी आई एम रियली थैंकफुल टू आवर कि पिछले पंद्रह दिन से आज 15वां दिन है वी बोथ आर स्टेइंग बैक एट द फैक्ट्री ओनली वीनाट गोल टू होम एट ऑल तो पिछले पंद्रह दिन से हम लोग साथ में यहीं हैं और एक दूसरे को झेल रहे हैं ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बाय वे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है बस अब डिलीवर करना बाकी सो so गाइज अभी लाइक like, अगेन ये को नहीं पता था कि ये एक मैन द मेकिंग के एपिसोड से एक पॉडकास्टिंग एपिसोड बन जाएगा बट दिस इज अ फैमिली माम एंड डैड डिस्पाइट ऑफ ओनिंग दिस बिजनेस आर सो इन्वेस्टेड इन ईच एंड एवरी थिंग कि इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी एक्स डेट की है तो पिछले पंद्रह दिन से हेडक्वाटर्स में रह रहे हैं जस्ट इमेजन दैट एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लाइक इट्स नॉट जस्ट इन अदर बिजनेस वेंचर फॉर अर्स इट्स नॉट जस्ट कि अरे एक और गाड़ी ही तो है फॉर अर्स इट इज़ किसी और का ड्रीम जो हम पूरा करने चाहते हैं बिकज़ विच ऑल ऑफ आर्स वर्क थ्रू दी थिंग्स थ्रू दी चैलेंजेस कि हम उनको उनका जो सपना जो हम कहते हैं कि ड्रीम होम है वो रियालिटी में दे सकें टू डे ट्वेल्थ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री शाम को आज इस गाड़ी का डिलीवरी है तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि हमने जो अपना अभी तक का टफेस्ट काम था उसको पूरा किया है और उनके भी मापदंडों पर पूर्णतः पूर्ण उसमें उतरें बाकी उनके ऊपर है कि वो जब आएंगे गाड़ी को देखेंगे तो क्या कहते हैं कमियाँ है तो देखिए जी शुरू से लेकर आखिरी तक गाड़ी बनने के बावजूद भी आज भी हमें सुजु वाले जो हैं वो कॉल करते हैं तो उसमें कमी पेशी आती है देख कॉल मी अप और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं तो चीज़ें हैं

हम लोगों के साथ में कैसे कैसे मेजर नो सेटबैक्स हुए हैं ब्रेकडाउन हुए हैं रिचा वॉज हार्डली वॉट नॉमन नौ नौ महीने की थी व्हेन वी वेंट टू गोवा ग्यारह एक महीना एक साल की थी तो उस टाइम में अमूल का दो के जी का डब्बा आता था उसके अंदर हमने डीजल टैंक का वो बनाया हुआ था तो वो पंजिम पहुंच गए थे हम पंजिम से वैगाडोर बीच पहुंचने में हमें पूरे बारह घंटे लगे थे इट वॉज आर डी वॉट ट्वेल्व किलोमीटर्स बट वो दिक्कत टैंक के अंदर आ गई थी एंड वहाँ जहाँ पर टंकी का पाइप दूध के डब्बे में डाल के उसमें पाइप लगा के मैंने uh, टंकी मैंने पकड़ी वो डब्बे मैंने पकड़ी योगेश मामा ने उसमें तेल डालते हुए रास्ते में चली थी हमने टाइम्स पॉडकास्ट बना सकते हैं। एक बार ऐसे ही खाली पेट जब हम वहाँ से वापसी कर रहे थे वाइल ऑन द वे मैंने साले साहब को बोला भाई जरा ये, ये जगह का रास्ता पूछ लेना तो वो नींद में था हिंदी उसको आती नहीं है प्रॉपर बिकॉज ही इज़ फ्रॉम नेपाल तो अ भैया ये मुर्दाबाद का रास्ता किधर से है तो बंदा भी बोलता है भैया मुझे नहीं पता है आ, बहुत सी चीज़ें हैं बहुत सी यादें हैं उसके अंदर में मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो हमने वाइल्ड एक्सपीरियंस कर आज के टाइम में तो आपके पास रोड्स हैं कंडीशन है गूगल मैप है अरे बाबा दो हज़ार दो हज़ार की बात नहीं कर रहा हूँ जब सिंगल रोड होती थी यूपी में हम लोगों ने एक्सटेंसिव उस टाइम में ट्रैवल किया है ये तो आज आपके पास बेसिक कम्फर्ट शारदा हम जाते हैं लद्दाख जाते हैं तो आज के टाइम में जो लोग वो कर रहे हैं तब में और अब में जमीन आसमान था आज से तीस साल पहले की बात कर रहा हूँ तब के रोड कंडीशंस और आज के में जमीन आसमान हम लोगों ने तब जो है लेंथ एंड पूरा इंडिया का करा हुआ है लोग जो आज कर रहे हैं उस टाइम में ये सब चीजें बेटा फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम में माइक भी आता था तो कोटलेस वाला बड़ा वाला आता था कैमरा आता था इतना बड़ा होता था हमारे पास इतना जो हमने कैरवेनिंग अपने बचपन में करी और आज के अकॉर्डिंग एडवेंचर वाइज आई वुड से कि हमने ज्यादा एडवेंचरस करा है बहुत ही इसमें एक्चुअली रॉ कैरवेनिंग रॉ कैरवेनिंग करी है व्हाट वी कॉल द वुंडोकिंग वुंडोकिंग दरी हमने रॉ कैरवेनिंग करी है मतलब बहुत से एक्सपीरियंस है व्हाई डोंट यू डू वन थिंग पुरानी पिक्चर्स और पुराने उसको लेके अपन जो है शेयर करें एक्सपीरियंस को तो कुछ है बारे में अपन जो है डिस्कस करें तो एज एन सिटिंग इन द फैमिली एंड बिकॉज़ उस टाइम तुम छोटे थे सो so, स्कूल का ट्रिप यार यस आई मीन देयर इज सो मच इन दिस पेंडोरास बॉक्स अगर आप लोग इंटरेस्टेड है आई थिंक दिस कुड बी फन कि हम सिर्फ फैमिली बैठ के एक चिट चैट एक गेट अवे

बट अगर आप है, आर्मी का, हैं। आर्मी का आर्मी का का हम से आगे पड़ता है। है, हमारी गाड़ी महीने नहीं थी। थी। की टेस्टिंग चल रही उन्होंने उन्होंने एक छोटा जो टी टैंक मेरे पास उसका फोटो भी है मैं भी वहाँ प्रैक्टिकली था वहाँ तो कमांड पोस्ट से उनकी उस पर बनी हुई टाटा पे बनी हुई थी टाटा जो रशियन ट्रक आते हैं उस पर उनका बेस बना हुआ था वहाँ से उन्होंने उसको फायर करा इंस्टेड ऑफ हिटिंग द टारगेट वो कुत्ता मार दिया उसने शॉर्ट उस पर जो है वो ड्रॉप हो गया था एक्चुअली उसमें जो है वो उन्होंने वायर का कुछ सिस्टम था वो वायर ब्रोक कर गई उसके चक्कर में उनका तो वहाँ आर्मी के हमने देखे फेलियर्स वो नॉट आई एम सेइंग कि आर्मी के फेलियर जो टेस्टिंग होती है उनकी टेस्टिंग में भी फेल्स होते हैं फेलिंग होती है तो उसमें भी हमने एक्सपीरियंस लिया वहाँ से काफ़ी मैं भी ऑलमोस्ट

और लोगों के लिए वो गाइडलाइन या फिर देखिए जो कैराविंग करना चाहते हैं कुछ गाड़ियाँ हमारी अपनी हैं गाड़ियाँ उनको बिफोर यू नो स्टार्टिंग अपहीकल यू कैन हायर आवर और हमारी गाड़ियों को हायर कर सकते हो और एक एज एन पूरा एक कंप्लीट पंडवाई uh, के अंदर हमारी ही गाड़ियाँ हायर करते हुए एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तीन दिन पाँच दिन की डेस्टिनेशन को आप पूरा कवर कर सकते हैं और उसके बाद आप कॉल ले सकते हैं कि वेदर वी शुड गो विध दिस पर्टिकुलर वहीकल

और तुम लोग गाइड करते थे कि बचपन में ही कि यहाँ अब ये आएगा अब वो आएगा अब ये होगा बोन करने के लिए यहाँ से लकड़ी लाना है आई थिंक हमने बहुत मिस किया और पीछे जब से मैं ये कैरावेनिंग कस्टमाइजेशन कस्टमाइजेशन में मेरी अपना पर्सनल जो मेरे एक, जो एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को लेके जो मैंने स्टार्ट किया था कि दट आई स्टार्टअप विद दी कैरावेनिंग और एक पूरा कम्प्लीट कॉन्वाई लेके चलेंगे वो ड्रीम जो मेरा रह गया उस ड्रीम को मैं जल्दी ही पूरा करूंगा आई लगेन कम अप विद दी सेम एनर्जी और काम मैं कर रहा हूँ साइड बाई साइड बट बिकॉज ना मेरी अपनी जो पर्सनल लाइफ है जिस काम को एम को लेके मैं चला था वो कहीं साइड रह गया उसको वापस मेरे को तो रिवाइव करना है सो डेफिनेट डेफिनेट दैट वी आर कमिंग अप विद दी मोर आइटीज जो एक्सट्रीम एक्टिविटीज हमने तब करी हुई है अब फिर से स्टार्ट करेंगे सो so, आपको हो सकता है अगर आप ज्वाइन करना चाहें हमारे वेंचर्स में अगर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं है द मैन बिहाइंड द मेकिंग कि वो ट्रैवल करेंगे कैराबेनिंग करेंगे तो हो सकता है आप लोगों को भी ज्वाइन इन करने का मौका मिले ये मिलेंगी बॉस कुछ है देखिए मैं भी कुछ लोगों से सीखूंगा मैं नहीं कहूंगा मैं तब, मैं पूरे पूर्णतः पूर्ण हो सकता है लोगों के पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस दूसरी चीज़ों को लेके हो मेरी एक्सपर्टीज कैराबैन बनाने में है ठीक है और कुछ नई आइटनरीज लोगों ने जो खोजी है उसको एक्सप्लोर करने की हम भी चाहेंगे हम भी करें और इट्स नॉडन अ बैड आइडिया अबाउट कि अगर आप कैरवेनिंग कर रहे हैं या दूसरे के साथ मिल कर रहे हैं तो उनके एक्सपीरियंस और होता क्या है कि कम्युनिटी जब बनती है तो एक दूसरे का आप जो नो एक ध्यान भी रखते हैं चीज़ें भी बढ़ती हैं और मोस्टली जो मैंने यहाँ देखा है हमारे इंडियन कल्चर में वो खाने पे फोकस ज़्यादा किया जाता है किसी भी शो पे होता है तो हर कोई जो है कैमरा लेके पहुंचा हुआ होता है इट इज़ अ गुड थिंग ये तो वजह है कि जो हम लोग इतनी टूर पे गया जो हमें टूर पे जाने के टाइम पे हमें क्या क्या किस किस चीज़ की कमी है तो वो गाड़ी में हम लोग ऐड करते गए ऐड करते गए और यहाँ पे ये होना चाहिए यहाँ पे ये होना चाहिए ये होना चाहिए ऐसे करते करते बढ़ गया ये इनका काम नहीं है इनका पैसन है इसीलिए किसी का भी गाड़ी लाती हो डिले हो जाती है लेकिन गाड़ी इतनी सारी चीज़ें डाल देती है गाड़ी में तो ऑब्वियसली डीले तो हो ही जाएगा और फिर लोग आएंगे दूसरे गाड़ी पे देखेंगे मुझे वो भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि एक गाड़ी बन रही है दूसरी गाड़ी को देख के ना क्लाइंट कई बार पास ऑप्शन इतने सारे होते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें ये भी चाहिए हमें इस गाड़ी का ये भी चाहिए एक्चुअली में क्या होता है लोग आते हैं कि डायग्राम बना देती है मुझे गाड़ी में ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है और बन, बनने के कुछ टाइम बाद वो लोग आएंगे गाड़ी कितना बन गया देखने के लिए आएंगे गाड़ी देखेंगे ये इसमें हो सकता है बोला हाँ हाँ हो जाएगा फिर दूसरी गाड़ी में जाएंगी मुझे ये मेरी गाड़ी में हो सकता है हाँ वो जाएंगी ऐसे करते करते इस गाड़ी में ये गाड़ी ऐसे बनने नहीं आई थी और बने बनने कुछ और आया था और बन कुछ और गए सो गाइज ये पार्लियामेंट नॉस्टैल्जिया तो चलता रहेगा मैं आप लोगों को यही कट करने वाली हूँ अब सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑफ़ फैम बिहाइंड द मेकिंग लेट्स नेम दिस सीरीज़ फैम बिहाइंड द मेकिंग अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करिए एंड मे बी विल क्रिएट दिस सीरीज़ जहाँ पे हम लोग लड़ झगड़ रहे होंगे याद कर रहे होंगे अपनी मेमोरीज को और अपने अपने एक्सपीरियंसेस को बट दैट इज़ दैट फॉर दिस एपिसोड नहीं तो ये चलता रहेगा एपिसोड अभी चार बीस हो रहे हैं फोर ट्वेंटी ए एम ऑन ट्वेल्थ में और हम टाइम क्रंच पे हैं तो आई हैव टू कट दिस एपिसोड हीयर येस सो दैट इज़ दैट इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप जब आप थम्स अप करते हैं वीडियो को तो यूट्यूब को पता लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और वो लोगों को पुश करता है वो वीडियो सो प्लीज़ गिव थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल फॉर We will be posting many more fun conversion, travel, and maybe fam behind the making videos in the Home Away Home on wheels. And are you guys ready for the sign off? Yep. All righty, Motorhome Adventures signing off.